हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सल्जा ज्ञान ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं तो स्वस्थ नहीं हूँ, देखो मेरे ग्लूकोज चढ़ रहा है। गाइस देखिए, मेरे बीक को लगा हुआ है और इसमें देखना कि ब्लड भी निकला है थोड़ा सा। ये देखिए, मेरी आज 3-4 दिन से तबीयत नहीं सही है बिल्कुल भी। और इतना मतलब ये बाथरूम जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ता है और कमज़ोरी भी बहुत हो रखी है इस टाइम पे। इस टाइम मेरी 2-3 दिन से बहुत तबीयत खराब है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो बहुत थकान हो जाती है। यूरिन इन्फेक्शन की भी शिकायत बताई गई है और कमज़ोरी भी बहुत है, तो उन्होंने इसमें ताकत का भी एक इंजेक्शन लगाया है और एक बताया कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से जख्म की शिकायत हो सकती, तो उस वजह से उन्होंने एक इंजेक्शन चढ़ाया है और 2 ग्लूकोज लगाया है। तो गाइस आप लोग दुआ करिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, बहुत ही बिल्कुल रिलैक्स ही नहीं फील हो रहा है। अभी मैं सुबह में गई थी तो आप लोगों ने देखा होगा कितना ग्लूकोज चढ़ रहा था मेरे, और अभी मुझे शाम को फिर जाना है, बहुत दुख रहा है। ये भैया बोल रहे थे, अरे कहाँ दुख रहा है, इसमें तो प्लास्टिक है, सुई तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन मुझे पता है बहुत दुख रहा है। तो गाइस आप लोग प्लीज़ जो है दुआ करिएगा कि मेरा ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए यूरिन इन्फेक्शन। अभी शाम को फिर जाना है, तो यही सब है, समय दिक्कत बहुत है, दुख भी रहा है, हवा लग रही ना तो हवा में भी तपक सा रहा है। अभी तो गाइस मैंने खाना भी नहीं खाया, कल तो गाइस पता है मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया, कल भी मैं दवाई लेने गई थी और कल शाम को जब मैंने खाना खाया ना, जब मैंने खाना खाया उसके बाद मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे एक कैप्सूल दिया था खाना खाने से पहले, तो मैंने वो खा लिया, फिर मैं थोड़ी देर रुक के खाना खा रही थी, तो मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद में मैंने फिर मैंने खाना खाने के बाद फिर बाद में दवाई दी थी उन्होंने, तो वो दवाई मैंने खाई और वो दवाई खाई तो उसको खाने के बाद तुरंत ही एक तरफ मैंने खाई, एक तरफ मुझे तुरंत वोमिट हो गई, तुरंत खाना दवाई वगैरह सब पूरा सब निकल गया। और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, मैं तो डर गई कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, हस्बैंड गए हुए थे किसी के तिलक में, अपने दोस्त की बहन के तिलक में गए हुए थे, और मुझे इतना गुस्सा लगे क्योंकि मैंने हस्बैंड से बोला था कि मेरी तबीयत नहीं सही आप मत जाइए, लेकिन वो गए, तो अच्छा मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो जाते हैं, वैसे भी वो मुझे छोड़ के जाते भी नहीं है, तो इसी वजह से तो कल चले गए, तो कल मेरी तबीयत भी नहीं थी, फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा जाइए आप ठीक है हम अभी, बाद में मुझे वॉमिटिंग वगैरह हुई। और पता है गाइस पूरी रात मुझे दर्द हुआ, पूरी रात पेट में दर्द हुआ, से दिन में तो मेरे बहुत ही तेज़ हो रहा था, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि बहुत तेज़ हो रहा था, और फिर बाद में ना अब रात को धीमा धीमा पूरी रात होता रहा और अभी भी हो रहा है, जबकि हमने ग्लूकोज और उसका इंजेक्शन भी लगवाया तब भी हो रहा है। पता नहीं भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेता है, एक तो वैसे ही इतने दुबले पतले से हैं, ऊपर से भगवान और परीक्षा ले रहा है। आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ सपोर्ट करिए, भगवान से दुआ मांगिए अपनी इस बहन के लिए। तो गाइस अभी हम शाम को भी जाएंगे, बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में पूरा।
पकड़ लेते थे बार बार, तो छू क्यों रहे हो तुम, क्यों छू रहे है? यही चीज तो पकड़ लेते थे ये बार बार। हाय ऐसे मत करो, दर्द हो रहा है। ऐसे सीधा रखो, नहीं दर्द होगा। गाइस हम अपने हस्बैंड से बहुत देर से कह रहे थे कि खाना ले आओ खाना ले आओ, और अपने लैपटॉप में लगे पड़े हैं, तो हमने सोचा हम ये क्यों ना ले आए और खा ले। लेके क्या आए, लेके क्या आए, ले आए हैं। खा लीजिए गाइस, आप लोग खाना खाना खाने जा रहे हैं और हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा है फोन, उसमें भी को लगे दर्द। सांप मिला भी नहीं, हम धुलते हैं बर्तन, हटो चाची हम धुल दे, अरे हट जा हम धुल दे, अरे एक ही हाथ से धुल रही है, हम धुल दे, हटो चाची हम धुल दे, अरे उठ जा हम धुल दे, अरे एक थाली नहीं रहेगा ये, ला धुल दे चाची। तो तुम बाद में करवा लेना कुछ, जब हमें जरूरत पड़े तब हम तुम्हें बता देंगे, तब तुम करवा देना, अभी तो धुल लेंगे ये। हाँ देखा था हमने, मेरे भी रखे थे दो तीन, वो भी रख गई थी कल, ले दिया घर है रख के, तो बहुत सारा लग जा ये, तो भाई झाड़ू वाले भी सब रखने, तभी तो हम निकलवा देंगे भी को, झाड़ू वाले में तो नहीं रहा अभी, तो झाड़ू वाले का आवाज सुन रहा है। मेरे बाप मोटी वाली किताब मार रहे थे, मेरी कॉपी बेकार करो, फिर अपने आप काट कर जो कॉपी बेकार कर लेता ही, मेरी कॉपी कलर चलाए रहे। हम कह रहे अगर पापा होते वो कि तीन झापे मरते सही हो जाते हैं। हाँ सही हो जाते हैं चाची, देखा हो जाते हैं तुम कहा थी भाई, लोग मानते भी नहीं, हम कहा तो वो ना मानते, हमारा कहीं बात बात देखो बच्चा, एक दिन ना कहा मान जाए दूमा मान जाए तो ना कहा मत कहो, माने ना तो बेकार कर दो, सही बात है, कर लो फिर ऐसे ना टाइम। अब से भैया आप मेरे पीछे ना पड़ा था ही गए, तो थोड़ी देर लेबिट तो चीज खाइए, ले आ भाई आए चले गए कौन से भैया, लेटे हैं हाँ लेटे हैं, अच्छा खासा दूध खराब हो गया, ये लाए ना दूध, कभी इन्हें हरा रहा, पहले तुम रोज दूध खराब कर देती हो। उस दिन हम गए प्लाट पे, उस दिन हम गए प्लाट पे तो वो
देखेंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए चाची, आज देखिए चाची ने बाल भी नहीं बांध पाए हैं और बोतल चढ़ गई इनके चाची के। और मैं पूछ रही हूँ आपको कुछ बनाने पर तो हमें बता देना, मैं आलू छील दूँगी। चाची कह रही हमें कुछ बनाने को नहीं है, मेरी भिंडी कटी हुई रखी है, बनी हुई रखी है, रोटी भी सेक ली है, अब शाम को सिर्फ खाएंगे। अरे देखिए परस दीदी जा रही है मेरी छत पे, उन्हें अपना चेहरा छुपा लिया है। देखिए वो भी एक आके दिख रही है उनकी, वो ऐसे भौवा चला रही हैं। हाँ जी, आप लोगों को झापड़ दिखा रही, इन्हें भी झापड़ दिखाओ आप लोग। और देखिए जो चाची बैठी है, आइए देखिए मेरी गाय है जो।